और भी इस बैल ने फैशन की नफसियाती यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पढ़ाई और लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से एमए किया। आखिरी साल में उनकी तहकीक का मौजू मलबूसात और नस्ल परस्ती था, जिसमें उनकी तवज्जो उस बात पर रही कि सियाफाम अमरीकी ट्रीवन मार्टन की हुडी ने उनके बेईमाना कत्ल में कितना किरदार अदा किया। वो फैशन और नफसिया दोनों के तालिब इल्म थीं। अब अपनी वेबसाइट फैशन आज साइकोलॉजी के ज़रिए दोनों को एक साथ लेकर चल रही हैं, जहां मलबूसात से मुतल्लिक मेहमान मुसन्निफीन की तहरीरें छपती हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पहुँचीदा आलमी नज़रिए लागू किए जाते हैं। सारिफ का ये रवैया और मुहर्रिक शनाख्त करने के लिए वो नेक्स्ट और सेंसबरी जैसी कंपनियों के साथ भी काम करती हैं। आप जो कुछ भी पहनते हैं वो किसी और चीज़ की अलामत होता है, ये महज वो नहीं जो नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि अगर आपने फटी हुई कोनियों वाला बगैर कलर पुराना स्वेटर पहन रखा है, या आप हार्डवेयर की दुकान से जूते खरीदते हैं, तो वो भी आप एक स्टाइल मुंतखब कर रहे हैं। फैशन से बचकर आप निकल नहीं सकते, एक ही रास्ता है अगर आप खर्च बर्दाश्त कर सकें। तो अपने लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इंतखाब करें। फोर्बिस बेल कहती हैं, मैं एक ही मखसूस अंदाज को नापसंद करती हूँ। एक दिन मैं करीबियन के सालाना मेले की मलका हो सकती हूँ, तो अगले दिन मैं एक मुहक्किक या कारोबारी खातून या एक आम खातून इंसान हो सकती हूँ। ऊपर दी गई दो तस्वीर से ये बात अच्छी तरह वाजे होती है। आलमी वबा से पहले वो हर साल ट्रिनिडाड के सालाना मेले में जाती थीं। कपड़े हथियार हैं, आपको उन्हें जिस्म की नुमाइश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि छुपाने के लिए। इंसान उनका सालाना मेले के लिए राल पर मानद का तैयार करदा मखसूस लिबास और वो यूमा बैंड का हिस्सा थीं। तमाम मलबूसात हमारी वाबस्तगियों का इजहार हैं। ये नागजीर तौर पर हमारी नस्लों का पता देते हैं। माजी में ये मोड्स वर्सेस रॉकर्स थे, ये फिर पंक हुए, या मुमकिन तौर पर गोत फोर्बेस बेल हमारी चंद गहरी फिरका वराना दर्जा बंदियों से बचने की कोशिश कर रही हैं। 2016 में एक मशहूर फैशन एडिटर आए और कहा कि अगर मैं स्या फॉर्म मॉडल की तस्वीर बैरूनी सफ़े पर लगाता हूँ तो ये बिकेगा नहीं। मैं ये बात गलत साबित करना चाहती थी, ये शायद नफसियाती तबाही का बायस बन रहा था। उन्होंने हकीकी मुजल्ले मार्केट रिसर्च में एक मजमून शाया किया, जिसमें बताया गया कि स्या फॉर्म मॉडल की तस्वीर से आरास्ता एक परफ्यूम की ख़रीदारी के लिए स्या फॉर्म लोग ज़्यादा कीमत खर्च करने को तैयार थे। स्या और गंदमी रंगत वाले अफराद की कुवत खरीद हैरान कुन हद तक मजबूत है। हम उनकी नुमाइंदगी में इजाफा देख रहे हैं, लेकिन स्या फॉर्म फैशन मॉडल्स निस्बतन अब भी कम नुमाइंदगी रखती हैं। लेकिन हमारे मलबूसात हमारे अपने बारे में एहसास को भी मुतासर करते हैं। वो आपकी कैफियत खुशगवार बना सकते हैं या बिल्कुल उसके बरक्स कर सकते हैं। फोर्बिस बेल एक तजर्बे का हवाला पेश करती हैं, जिसमें लोगों को सुपरमैन वाली टी शर्ट पहनने को दी गई थी। उन्होंने ऐसे पाबंद ग्रोह की निस्बत खुद को ज़्यादा मजबूत समझा जिन्हें सुपरमैन किट फ्राम नहीं की गई थी। वो उस नतीजे को ग्रीन कयास कहती हैं, क्योंकि हमारे जहनों की वाबस्तगियाँ ज़्यादातर सकाफत की पैदा
کردہ ہوتی ہیں۔ لیب والا سفید لباس پہنا دراصل آپ کو زیادہ سائنٹیفک بناتا ہے، ایک رسمی لباس آپ کو عسکری منصوبہ سازگار کا روپ دیتا ہے، لیکن خالص جسمانی سکون بھی ان کی ایک بنیادی ترین ترجیح ہے۔ اگر آپ ایسے کپڑے پہنیں جو جسمانی ساخت کے مطابق نہیں تو وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ وہ پہنیں جو آپ کے جسم پر موجودہ لمحے مناسب بیٹھتا ہے۔ جب میری ان سے بات ہوئی تب انہوں نے کھلی سفید شرٹ اور نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں آرام دہ لباس آپ کو بہتر کام کاج کی آزادی دیتا ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ریلیٹیو فیشن ریلیٹڈ ویڈیوز۔ تھینک یو۔ آپ کو غیر مناسب لباس سے اپنی توجہ منتشر نہیں ہونے دینی چاہیے، سہولت شعور کے حصول میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شارع آفاق امریکی گلوکار ایلس پریسلے کے جمپ سوٹ کا ان کے شعور پر کسی حد تک اثر تھا، یہ معلوم نہیں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ لباس کا ایک ٹکڑا ہی تھا جس پر ایلوس کے تمام نکالوں نے ساری توجہ مرکوز رکھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ انجینئر کے انجیر کے پتوں کے بعد تیار کیے گئے مضحکہ خیز ترین ملبوسات میں سے ایک تھا۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی لباس ایسا نہیں جسے اعتبار بخشنے والا کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو، چاہے کسی دوسرے کی نظر میں وہ کیسا ہی بیدا کیوں نہ ہو۔ اور اس معاملے میں فوربز بیل کی بھی ایسی ہی رائے ہے۔ کنگ آف راک کے کردار میں خود کو پیش کرنے کے لیے ایلوس نے بے ڈنگے اور ہولڈ ملبوسات استعمال کیے۔ لباس کے استعمال سے فنکار کو اپنے کردار میں ڈلنے کے لیے تعاون فراہم کرتے ہیں۔ یہ نمایاں ہونے کے لیے ایک طریقے سے آگے کی بات ہے، یہ اس لباس سے وابستہ خصوصیات کو عملی شکل میں پیش کرنے کا اسلوب ہے۔ کوئی بھی اس جمپ سوٹ کو دیکھ کر یہ نہیں سوچے گا کہ وہ خطرے سے خالی ہے، لوگوں کو لگے گا وہ بولڈ، بے باک اور سنسنی خیز ہیں۔ جو ڈیزائنز بل بیلو کے نیپولین عہد عہد سے متاثر ہونے کے لیے عین مطابق ہے۔ کپڑوں کی ہر الماری ایک مخصوص معاشرہ ہے جو اپنی ثقافت رکھتی ہے، اور یہ ناسٹیلجیا کو مضبوط محفوظ رکھنے کی جگہ ہے۔ وہ تمام پرانے پرچہ جات جنہیں آپ پھینکنے کی کا حوصلہ نہیں رکھتے، 18 سالہ شکیلا کی جسمانی ساخت کے مطابق فوربز بیل کے پاس کثیر تعداد میں پارٹی ڈریس ہیں۔ میں انہیں خود سے جدا نہیں کر سکتی، یہ وہ ہیں جو میں ہوا کرتی تھی۔ آپ کے کپڑے میموری باکس کی طرح ہیں، وہ آپ کو ماضی میں لے جاتے ہیں۔ اپنی کپڑوں کی الماری میں جھانکتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اگلے چند ہزار برسوں میں دوبارہ کھولی گئی تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ شاید مجھے غلطی سے کوئی پال سمتھ سمجھ لیا جائے۔ میں شاید ایک لیبل کو حد سے زیادہ پسند کرنے کی گنہگار ہوں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو فار مور ریلیٹیو ویڈیوز، اور ہائیڈ ان دس پیج، سو تھینک یو۔ مگر کیا بات محض اتنی سی ہے کہ ہم بہت زیادہ کپڑے خرید رہے ہیں، کپڑوں
ने कमोबेश यकीनी तौर पर ना सिर्फ इंसानों को बल्कि पूरे कुर्रे अर्ज को किसी हद तक गर्मा गर्म बनाने और यूं इंसानों के रहने के लिए ज़्यादा तकलीफदा बनाने में अपना किरदार अदा किया है। कचरे की पैदावार और पानी की कसीर इस्तेमाल से कताए नज़र अब दुनिया में 10% कार्बन के अखराज की जिम्मेदार कपड़ा साज की सनत है। 2020 में अंदाजे के मुताबिक 100 अरब नए लिबास तैयार किए गए थे। हम उनकी बहुतात में डूबने के खतरे से दो चार हैं। अपने ही कपड़ों की सख्ती के हाथों मेरे जानने वाले अफराद में से जिसके पास सबसे ज्यादा कपड़े हैं वो हैं एल्सा। एल्सा उनके पास फर्श से लेकर गोदाम तक छत तक और वो काफी ऊंची छत है कपड़ों के हजारों जोड़ों के ढेर लगे हैं। टोपियों की बड़ी तादाद, शूज, जूते, टाइयां, डिनर जैकेट्स, वास्केट्स, रक्स के मखसूस लिबास, हर तरह की पोशाकें मर्दाना और जनाना दोनों। अगरचे उनके पास उसकी माकूल वजह ये है कि वो थिएटर और फिल्म वालों को लिबास बेचती हैं। जब वो किसी एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो वो उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है जबकि कन्वेयर बेल्ट पर मर्दों के दर्जनों या उससे भी ज़ायद मुख्तसर ट्राउज़र लगे होते हैं। अपने सामान के साथ मजीद इजाफी सामान ले जाने के लिए उन्हें वाजिबी से रकम अदा करना पड़ती है। जैसा कि वो बहुत जामिया अंदाज में सारी बात कह डालती हैं, मेरे पास बहुत सारा गंद बिला जमा है। शायद उसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि वो अफसानों किरदार जैक रिचर्ड की तरह बनने के ख्वाब देखती हैं, जिनके पास सिर्फ वही कपड़े हैं जो बदन पर पहन रखे हों, और जब वो किसी दूसरे के लिए खून में रंगे रंगे जाएं तो उतार के फेंक देती हैं और अपनी जेब में महज दांत साफ करने वाला एक ब्रश रखती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के नए अहद में ये नागुजीर है, मुख्तसर लिबास रोज़मर्रा का मामूल बनने जा रहा है। चाहे आप बरहंगी के अलमदार ना हों, लेकिन ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि सब कुछ उतार फेंकने में बिलखसूस गर्मियों के बेलिबास और तराकी में एक आज़ादी की एहसास है का एहसास है। यहाँ तक कि ऐसे पेशेवर अफराद जिनका जरिया मुआश ही कपड़े हैं, वो भी दोबारा बेलिबास होने की शायद ख्वाहिश रखते हैं, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही सही। शायद दिली तौर पर हम सब मिलियन बरसों पहले के सुनहरे दौर में लौट जाना चाहते हों, जब हमें इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना पड़ता।